अस्सलाम वालेकुम। इतने भाई आपके पास जी मिल जाएंगे, यूरोपियन टच में चाहिए या फिर अरबियन टच में? अरबियन टच दिखाइए तो वही लगाऊंगा। जी उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं ज़रा यहाँ निज़ामुद्दीन आया हुआ था। नहीं रात बात हुई थी उनसे, मुझसे कह रहे थे कुछ बता रहे थे हालात के बारे में। जी 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 तो मैंने कहा भाई ये तो मुसलमानों की कमी है, मुसलमान जिस दिन एक हो गया फिर देखते हैं कौन जीतता है, फिर होने दीजिए लड़ाई, होने दीजिए जंग, कोई टिकता थोड़ी है उस्मान साहब हमारे सामने। अगर सारे मुसलमान एक साथ हो जाएं फिर हिंदुओं को कौन कौन बचाएगा? जब होगा देखा जाएगा, हम भी कम थोड़ी है लड़ाई में, हम तो इस मुल्क में रहते हैं और यहीं रहेंगे। लेकिन इनसे मोहब्बत वोहब्बत नहीं करनी उस्मान साहब, ये तो हमारी कमी है कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं या कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। भाई कैसे जाए भाई? इसको ये ना बेटा, पहले मुझे बता तो क्या बकवास कर रहे हो साला मजहब को लेकर? आप किस मौजू पर बात कर रहे थे? नहीं वो मुसलमान भाई थे आप ही की तरह, उनसे बात कर रहा था। आया लग रहा है नहीं, किसको मारने की बात कह रहे थे? नहीं जैसे ये है ना कि हिम्मत कैसे हुई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था कि मुसलमान एक हो जाए। एक किस टाइप में होना चाहते? अरे जो जो हमारे सामने आएगा हम उनका मुकाबला करेंगे। हिंदू कौन से आपको अपने सगे लगते हैं? हिंदू सगे भी हैं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ मेरा सगा। तो भाईजान आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, वही मुसलमान हूँ, तो आपस की बात कर रहा था। तो हमारे भाई हैं, मासूम लोग हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने ये कहा है कि हम एक हो जाएं तो उनको तो हम ठीक कर देंगे। आप ही लोग तो सारा माहौल खराब कर रहे हो इस चीज के लिए। हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं जी और हमेशा साथ ही रहेंगे, यहीं पे जी यहीं पे मरेंगे। मुसलमान मार कुटाई नहीं सिखा रहा, तो वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं सिखा। तो मैं तो हिंदुओं के लिए बात कर रहा था ना। नहीं हिंदू अपना भाई है भाई, हमारा मुल्क सबका हम फैमिली है भाई। ऐसे मुसलमान हमें नहीं चाहिए, समझ गए? नहीं भाई आप तुम अपने लिए मुसलमान हो, मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। चलिए आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। चुपचाप निकल रहे मुल्क में गया तो यहाँ खड़े होने लायक नहीं, यहाँ से निकल जाए तुम। चल ना अभी तो कालका मंदिर हूँ। अरे नहीं उससे रात बात हो रही थी, सुमित से वही कह रहा था यार, वो देश के बारे में कोई बात चल रही थी। मैंने कहा यार अगर हिंदू एक हो जाए हम, ये मुसलमान कितने हैं इनको दो मिनट में ठीक कर देंगे हम। नारायण जी दो मिनट में, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। वही मैं उसको समझा रहा था, आप एक हो जाओ यार, इस देश को हमारा है हमारा रहेगा। आपका नाम क्या है? सुशील। आपको शर्म नहीं आती ये विद्रोह फैलाने में? आपको पता नहीं क्यों गंदा लग रहा है यार, आपको ये नहीं लगता हमारा मुल्क है यार? आप हिंदू मैं हिंदू, वो कहाँ से है बीच में? सबको मिला के ही तो ये मुल्क बना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कमाल है आप तो बुरा मान गए भाई साहब। नहीं बुरा मानने वाली बात ही, आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ आते हैं हम लोग ये मांगते हैं कि सब सुखी रहे शांत रहे, तो उन सब में हिंदू मुस्लिम सभी इन्वॉल्व है। प्लीज ये सब चीजें नहीं फैलाइए। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, आप मुसलमानों की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आप हिंदू हैं, आप मेरी तरफ से बोलो ना। इंसानियत की तरफ से बोल रहे हैं आप, तो गुस्सा करने लगे यार। ये तो गुस्से की बात ही है, आप हिंदू धर्म ने आपको ये सिखाया है क्या? चलो छोड़ो मेरे को 100 ग्राम ये। नहीं नहीं आप चलिए, आप बहुत मर्जी, आप तो नाराज हो गए। चलिए आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो बैठा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए। ना तो हिंदू ना मुसलमान से डर लगता है, मुझको इन लोगों के ईमान से डर लगता है। नेक बंदों को तो भगवान से डर लगता है, मेरे भगवान को इंसान से डर लगता है। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये विद्रोह ये समाज चल रहा है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, और क्या मिला सुनने को? वही सुनने को मिला जो सोचा था हमने। सुनने को ये मिला कि लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता। और एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूँ, 69 साल हो गए हमें आजादी मिले हुए, इस आजादी के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ में रहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा आदमी इसका फायदा उठा ले, और उसका अंजाम होगा ये कि एक बार फिर से हम आजादी को तरसेंगे। सो दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजाद रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।